स्वागत है। मौका था राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का, लेकिन संसद चुनावी अखाड़े में तब्दील होता नजर आया। सत्ता पक्ष और विपक्ष में वैसे ही तू-तू मैं-मैं चलती रही जैसे कि चुनावी मौसम में आमतौर पर होता है। चुनाव लोकतंत्र का पर्व होता है, लिहाजा हम नहीं कह सकते कि चुनावी माहौल पर हमें एतराज है, लेकिन जिस हद तक हुआ क्या उस हद तक होना चाहिए? संसद में अगर सार्थक चर्चा की जगह एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की राजनीति ले ले तो देश को सवाल करने का हक भी है। लेकिन जो तस्वीर पिछले कुछ दिनों में संसद में दिखी उससे सवाल उठे कि क्या ये 2019 की तैयारियों का आगाज है, क्योंकि नेताओं की बॉडी लैंग्वेज से तो यही लगता है। और इस काम में प्रधानमंत्री भी पीछे नहीं रहे, कांग्रेस कांग्रेस और सिर्फ कांग्रेस। आम चुनाव में अभी साल भर से ज्यादा वक्त है, लेकिन अगर सरगर्मी अभी से शुरू हो गई है तो चिंता की बात जरूर है। चिंता इसलिए कि हमको पता है कि चुनावी मौसम में जरूरी काम कैसे पटरी से उतरने लगते हैं। इन्हीं चिंताओं और संसद में हुए घमासान के बीच शुरू करते हैं आज की चर्चा। राष्ट्रपति का अभिभाषण किसी पार्टी का नहीं होता, लेकिन चर्चा के दौरान पक्ष और विपक्ष न सिर्फ बटा दिखा बल्कि इसमें 2019 चुनाव की तैयारी की झलक भी साफ तौर पर दिखी। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर ऐसा धन्यवाद प्रस्ताव देश ने शायद ही कभी देखा होगा। परंपरा और मान मर्यादा से इतर ये रस्म अदायगी शोर शराबे से शुरू होकर 2019 चुनाव की आहट भी दे गई। प्रधानमंत्री का भाषण भी बशीर बद्र के उसी शेर से शुरू हुआ जिसके जरिए ठीक एक दिन पहले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को घेरा था। जी चाहता है सच बोले, जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करे हौसला नहीं होता। दुश्मनी जम के करो, दुश्मनी जम के करो, लेकिन एक गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाए तो शर्मिंदा न हो। खड़गे ने लोकसभा में लोकतंत्र की मर्यादा पर सरकार को आईना दिखाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब देने के लिए इतिहास के पन्नों को तो पलटा ही, इसके जरिए नेहरू और कश्मीर पर भी सियासत कर गए। 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था, 3 लोगों ने नोटा किया था, किसी को भी वोट नहीं देने का निर्णय किया था, उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, इसकी आड़ में राजीव गांधी का जिक्र कर वो दलित राजनीति भी कर गए। श्रीमान राजीव गांधी ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतर करके एक दलित मुख्यमंत्री उनको खुलेआम अपमानित किया था, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री ने संसद में कांग्रेस पर न सिर्फ देश के टुकड़े करने के आरोप लगाए बल्कि देश की तरक्की में रोड़े अटकाने का कसूरवार भी ठहरा दिया। जहर बोया, आज आजादी के 70 साल के बाद एक दिन ऐसा नहीं जाता है कि आपके उस पाप की सजा 125 करोड़ हिंदुस्तानी न भुगतें। कांग्रेस को कोसने के बाद प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई, चाहे वो सड़क बनाने का काम हो या फिर रोजगार का। सभी मुद्दों पर आंकड़ों की बाजगरी खूब दिखाई दी। हम तो है नहीं वहां, न कोई एनडीए है। इन 4 सरकारों ने स्वयं ने जो घोषित किया है उस हिसाब से पिछले 3-4 वर्ष में इन 4 सरकारों का दावा है कि वहां करीब करीब 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। गरीब को आधार से लिंक कर डायरेक्ट फायदा देने का दावा कर प्रधानमंत्री ने सरकार की तारीफ की तो बिचौलियों के जरिए कांग्रेस पर तंज भी कसे। आपका दुख का कारण है ये जो बिचौलियों की जाल थी,
वो बिचौलियों की जाल खत्म हुई है और इसलिए जो रोजगार गया है बिचौलियों का गया है। किसानों की हालत भले ही खराब हो लेकिन प्रधानमंत्री ने उनकी आय दोगुना करने के तरीके फिर बता दिए। किसानों की आय दोगुना करना, आप शंकाओं में इसलिए जीते हैं कि आपने कभी बड़ा सोचा ही नहीं, छोटे मन से कुछ होता नहीं। राहुल गांधी के विदेश में दिए गए भाषण पर सवाल उठाकर प्रधानमंत्री ने इसे देशभक्ति से जोड़ दिया। जब देश डोकलाम की लड़ाई लड़ रहा था, खड़ा था, आप चीन के लोगों से बात कर रहे थे। देश की परंपरा यही रही है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण दलों से ऊपर होता है, उसमें विकास की बात होती है, हालात का जिक्र होता है, लेकिन इस बार का धन्यवाद प्रस्ताव राजनीति के दलदल में फंसकर 2019 की चुनावी तैयारियों का एहसास करा गया। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो आज जो लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक दिखाई दिया वो एक धन्यवाद प्रस्ताव ही था या कुछ और था, चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में बीजेपी के प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल जुड़ेंगे, साध्वी खोसला कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शम्भुनाथ शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार वो जुड़ गए हैं, अमीर हैदर ज़ैदी हैं प्रवक्ता सीपीआई के वो भी हमारे साथ हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से साथ में जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल मेरा शम्भुनाथ जी आपसे है, आपका एक लंबा करियर रहा है पत्रकारिता में, आपने बहुत सारे धन्यवाद प्रस्ताव देखे हैं, आपको लगता है कि बिल्कुल उसी लाइन में था या इसमें कुछ आपको अलग दिखाई दिया आज? देखिए, लगभग 1980 से मैं लोकसभा के अंदर भी और टीवी पर भी इस तरह के धन्यवाद प्रस्ताव देखे हैं, बजट भाषण देखे हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण देखा है, लेकिन पहली बार राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही कुछ संकेत मिला था कि अब जो धन्यवाद प्रस्ताव या जो बहस होगी उसमें हंगामा तो मचेगा ही, कहीं ना कहीं राजनीति उस अभिभाषण में भी छलक रही थी। इसकी एक वजह तो ये हो सकती थी कि जो मौजूदा भाजपा सरकार है वो खुद को कहीं ना कहीं कमजोर महसूस कर रही है और प्रधानमंत्री को लगता है कि उनका जो ऑरा है वो धीरे धीरे घट रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अब 2019 में सरकार ये साफ ही हो जाएगी, लेकिन ये एहसास उनको हो गया है कि 2019 में वो साफ हो या बने रहें लेकिन भाजपा के लिए बहुमत पाना बहुत मुश्किल है, यानी जो भी सरकार बने वो एनडीए ही यूपी की ही बनेगी, ऐसी स्थितियां दिख रही हैं। ऐसे में एक प्रधानमंत्री को लचीला होना चाहिए, थोड़ा नरम होना चाहिए, थोड़ा दिखना चाहिए को सबसे बना के चल पाता है। तो अब अभी तक प्रधानमंत्री जिस तरह से अपना आक्रामक रूख अपनाते रहे, हर मामले में बड़े हमलावर रहे हैं, वो एक तो पिछड़ा है, थोड़ा दबा है। दूसरे जो अभी आज धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के बाद जो वो ज्ञापित कर रहे थे उसमें उनकी एक कमजोरी झलकी कि बजाय उन्होंने अपनी बातें रखने के सीधे सीधे कांग्रेस पे हल्ला बोला और उन प्रधानमंत्री पर हमला बोला जो अब दिवंगत हो चुके हैं, है ही नहीं, जैसे राजीव गांधी का इशू उठा करके या जवाहरलाल नेहरू के बारे में टिप्पणी करना, इनके अब कोई मायने नहीं है। अब देश भाई आजादी के बाद से देश ने जवाहरलाल नेहरू को देखा था और उनकी नीतियों पर देश इतने साल चला भी, हम ये नहीं कह सकते कि देश एकदम चौपट हो गया है। अगर लोकतंत्र काल हमारा कायम है तो कहीं ना कहीं जवाहरलाल जी की नीतियां थी, कहीं ना कहीं जो चली आ रही या कांग्रेस की या गांधी जी की नीतियां थी वो कायम रही, उनको एकदम खारिज करना ठीक नहीं था। दूसरे राजीव गांधी पर यह टिप्पणी कर देना भी लोगों को खराब लगेगा, राजीव गांधी के चूंकि हत्या हुई थी, बहुत गलत तरीके से वो मारे गए थे और वो भी माना चाहिए कि आतंकवाद के शिकार हुए थे, एक ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना कि वो दलितों को किस तरह से उन्हें इग्नोर किया वो भी थोड़ा बड़ा अजीब लग रहा है। तो प्रधानमंत्री इन चीजों से बच सकते थे। अब खड़गे ने जो कल शेर सुनाया बशीर बद्र का, उसी के हवाले से दूसरी बात कहने लगे, तो ये तो साहित्य में आप कहीं से कुछ भी उठा सकते हैं, एक ही कवि हरदम दो लाइनों पर बात करता है, किसी एक कविता उठा दी तो एक हमलावर हो गया, दूसरी कविता उठा दी तो दूसरा हमलावर हो गया। लेकिन ये मैं इस बात दावे से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री का आज का भाषण ना तो डिफेंसिव था, अपने को डिफेंस नहीं कर पाए, ना ऑफेंसिव था, बल्कि एक झल्लाहट थी, डिफेंस की तो कोशिश भी नहीं थी। आज सिर्फ अटैक के मोड में ही नहीं, वो भी झल्लाहट दिखाई दिए। ठीक है, साथ ही सीपीआई से आमिर हैदर ज़ैदी साहब, आप बताइए, एक तो प्रधानमंत्री का भाषण और साथ ही जिस तरह से विपक्ष का बर्ताव था कि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोल रहे हैं और उसमें भी उनको बोलने न दिया जाए, इसकी कोशिश खूब की गई, बहुत तरह के नारे लगाए गए, ये विपक्ष का आचरण सही था क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने बशीर बद्र का भी शेर पढ़ा, एक शेर मैं उन्हें समर्पित कर देता हूं।
शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। प्रधानमंत्री सदन के नेता होते हैं, दोनों सदनों के नेता हैं, विपक्ष के नेता नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता नहीं है, और जो संसद के अंदर सवाल उठे हैं उनका जवाब देने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है, या देश के अंदर जो सवाल उठ रहे हैं मुंह बाए खड़े हैं उनके जवाब देने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की होती है। जो नहीं नजर आता है वो हां, एक किसानों को एक बंबू और थमा के गए कि किसानों की आमदनी बंबू से दुगुनी हो जाएगी। भाई ये तो आकलन कर लेते कि किसानों ने अपने खेतों के ऊपर जो पॉपुलर लगा रखा है इस वक्त या यूकेलिप्टस लगा हुआ है वो किस रेट में बिक रहा है, वो 200 रुपए कुंटल बिकने को तैयार नहीं है, और बनिए की प्लाई बोर्ड के पैसे कम होते नहीं है। किसान तो जो चीज बोलेता है वो उसके गले का जंजाल बन जाती है। और एक चीज और कह गए प्रधानमंत्री कि जो भ्रष्टाचारी है वो बेरोजगार हो गए, तो जितने मुल्क के अंदर भ्रष्टाचारी आंदोलनकारी इस मुल्क के अंदर मौजूद है वो भ्रष्टाचारी थे जो अब सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य पे नहीं बोला, शिक्षा पे नहीं बोला, देश की समस्याओं पे नहीं बोला, कश्मीर सीमा के ऊपर रोजाना जवान शहीद हो रहे हैं उस पे नहीं बोला, किसी पे नहीं बोला, अपनी बौखलाहट निकाल रहे हैं 70 साल पहले के इतिहास के ऊपर। और 70 साल पहले के इतिहास में अगर वो जाए तो उन्हें ही कलंकित होना पड़ेगा, उनकी पार्टी को, उनकी विचारधारा को, क्योंकि 1942 में देश के बंटवारे का प्रस्ताव आरएसएस की तरफ से आया था, कांग्रेस की या किसी और की तरफ से नहीं आया था, यह आरएसएस की देन थी कि देश का बंटवारा होना चाहिए, और उसमें साइन है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बंटवारे में साइन है। अब रही कश्मीर के ऊपर वो बोल रहे थे कि साहब नेहरू की देन है, पहला स्टेट है कश्मीर जिसने खुद प्रस्ताव ये दिया था कि जी हम हिंदुस्तान में शामिल होना चाहते हैं, ये शायद उसे भूल गए। और जब पाकिस्तान हिंदुस्तान कश्मीर में आके घुसा था तो ये प्रस्ताव इसलिए दिया गया था कि कश्मीर की आवाम हमारी सेना के साथ मिलकर कश्मीर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी, बोलना उस पर चाहिए था, जो कश्मीर की आवाम हमारी सेना के साथ मिलकर कश्मीर के खिलाफ लड़ रही थी, आज वो कश्मीर की आवाम इतनी मुखालिफ क्यों हो गई है? ठीक है, बात उस पर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, नीतियां आपकी खराब है। ठीक है, अब सुनते हैं, कश्मीर को जलाने का काम ठीक है, ठीक है। उदयवीर सिंह जी, आप अपना आपका क्या स्टैंड है आज, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जो बातें रखी, जिस तरह से आज ज्यादा अटैकिंग मोड में नजर आए, सिर्फ कांग्रेस कहते रहे, वो सही था क्या? और साथ ही जिस तरह से विपक्ष ने वहां पर नारेबाजी की कि जुमलाबाजी नहीं चलेगी, और इसके अलावा झूठा भाषण बंद करो, तानाशाही नहीं चलेगी, धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान इस तरह की नारेबाजी सही थी क्या? दोनों ही बातों पर आपका टेक। देखिए बात यह है, शुरू से ऐसा रहा है कि प्रधानमंत्री की पर्सनालिटी ज्यादा होती है, और जो प्रधानमंत्री होता है वो एक राष्ट्रपति को चुनता है, लेकिन राष्ट्रपति अपनी गरिमा रखते थे। जब से हमारे मौजूदा राष्ट्रपति बने हैं तब से लगातार कई बार ये दिखाई दिया कि वो अभी तक ये जो लीडरशिप का अंतर है वो मोदी जी का प्रभाव अभी दूर नहीं गया। ये जो प्रस्ताव आया है ये प्रस्ताव सरकार का स्टेटमेंट होता है, राष्ट्रपति का लेना देना नहीं होता, और परंपरा बनी हुई है कि इस प्रस्ताव का विपक्ष कई बार विरोध करता है। प्रस्ताव में सरकार अपनी पॉलिसी बताती है कि बजट में क्या लाने वाली है, पहले क्या किया है, आगे देश को किस दिशा में ले जाएंगे। आज संसदीय लोकतंत्र में इस प्रस्ताव का राजनीतिक कारणों से दुरुपयोग किया गया। प्रस्ताव से स्पष्ट हो गया था कि राजनीतिक विषय उठाए जाएंगे, संसद में क्या नीति होनी है यह सेकेंडरी चीज है, दूसरे दर्जे की चीज है, और प्रधानमंत्री जी को जवाब देना था विपक्ष के सवालों का, क्योंकि चर्चा प्रस्ताव के ऊपर थी। न राजीव गांधी जी की विपक्ष ने न राजीव गांधी जी पे सवाल उठाया था, न नेहरू जी पे उठाया था, न कश्मीर पे उठाया था, न कोई बात थी। तो आज प्रधानमंत्री जी ने अपना जो प्रस्ताव था उसके डिफेंस में प्रस्ताव की कोई चर्चा ही नहीं की। वो इस तरह बोल रहे थे जैसे वो एक चुनावी रैली में भाषण दे रहे हों। किसी ने उनका विरोध नहीं किया, उनका विरोध करने वाले उनके खुद सहयोगी हैं। टीडीपी ने उनका विरोध किया, टीआरएस ने उनको विरोध किया, विपक्ष के पास क्यों जाते हैं? उनको तो अपने सहयोगी दलों को जवाब देना था, उनको संतुष्ट रखना था। 4 साल की सरकार में जब वो अपने सहयोगियों को ही संतुष्ट नहीं कर पाए तो विपक्ष को कोसने की जरूरत कहां पड़ती थी? सवाल यह था कि उन्हें बताना था कि देश के सामने जो रोजगार का उन्होंने वादा किया उस पर क्या किया, किसान को जो दुगना मूल्य देने की बात कर रहे हैं
पांचवां बजट लाने जा रहे हैं, इसके बाद उन्हें कुछ लाना नहीं है, चुनाव में जाना है। ठीक है, चुनाव भी ऐसी परिस्थितियां दिख रही हैं कि समय से पहले हो जाएगा। ठीक है, तो अब किसान की लगातार आत्महत्याएं बढ़ी हैं, उनका फसलें फेंक गई सड़कों पे, उनका नुकसान हुआ। सरकार की जिम्मेदारी ले रही है या नहीं ले रही है, या सरकार विफल हुई तो क्यों विफल हुई? ठीक है, ठीक है देवीर जी, गरीबों और अमीरों के बीच में अंतर बढ़ गया, 1% लोग 73% प्रॉपर्टी को ओन। ठीक है देवीर जी, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। हमारे साथ अब जवान के गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के। गोपाल जी, आज जो भाषण प्रधानमंत्री जी ने दिया, आपको लगता है कि अब तक जो धन्यवाद प्रस्ताव आपने इसके पहले देखे होंगे उसी लाइन पर था? ज्यादा जो लोग कह रहे हैं कि अटैक करने में आज ज्यादा दिखाई दिए प्रधानमंत्री मोदी, बजाय इसके कि सरकार के कामकाज के बारे में बताते, अपनी उपलब्धियों के बारे में बताते, सिर्फ कांग्रेस कांग्रेस और कांग्रेस उनके भाषण में दिखाई दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक परिपेक्ष रखा है देश का। जो कांग्रेस उन पे अटैक करी है उन्हीं बातों का तो जवाब दिया। वो कह रहे हैं प्रजातंत्र में दिक्कत है। उन्होंने बता दिया कि प्रजातंत्र के रक्षक इस देश में कौन है? भारतीय जनता पार्टी और वर्तमान सरकार है। इमरजेंसी के अंदर सारा जो किया वो कांग्रेस ने किया, उसका प्रतिकार करके उस प्रजातंत्र को इस देश में कौन लाया? ये कहते हैं नेहरू जी और एक परिवार को पूरा क्रेडिट देना चाहते हैं। सरदार पटेल तो कांग्रेस के ही थे, महात्मा गांधी कांग्रेस के ही है, सरदार पटेल को क्यों नहीं क्रेडिट देते? तो जो ये कांग्रेस की जो पूरी समस्या है और जो कांग्रेस की जो पूरा रचना है या जिस तरह से वो काम करते हैं, बोलते कुछ है और करते कुछ है, उसी बात को उन्होंने उजागर किया। वो प्रजातंत्र का क्रेडिट खुद लेना चाहते, सारी स्कीमों को जो अधर में लटका रखी है। कांग्रेस ने इतनी सारी घोषणाएं की और उनको इंप्लीमेंट नहीं किया, उसी बातों को कहा। कांग्रेस कहती है आधार हम लाए, जीएसटी हम लाए, नीम कोटेड यूरिया की हम बात करते थे, अब तुम इतने सारे एनपीए की प्रॉब्लम की बात करते हो। सारी समस्याओं को तो प्रधानमंत्री ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, आप आधार लाए, बिना कानून के आधार ले आए। उसका कानून 2016 में हमने बनाया, उसका प्रैक्टिकल यूज जो देश को अच्छा उसका फायदा होता वो वर्तमान सरकार लाई। नीम कोटेड यूरिया की आपने बात करी कांग्रेस की, ठीक है, इंप्लीमेंट किसने किया? मोदी सरकार ने, हमारी सरकार ने। फिर आप कहते हो कि जनधन अकाउंट, 7 करोड़ अकाउंट खोले हुए थे आपने, गरीबों के हित की बातें करते थे आप, 31 करोड़ साढ़े तीन साल में करे और 60 साल में आपने 7 करोड़ अकाउंट करे। गोपाल जी, तो फिर यह बातें जब आप प्रश्न करते हो, भ्रष्टाचार कौन लाया? एनपीए पे बात करती है सर कांग्रेस, एनपीए की जनक कौन है? एनपीए की यह प्रॉब्लम हम तो सॉल्यूशन कर रहे हैं। एनपीए का पूरा इन जो जिम्मेदारी है वो तो कांग्रेस की है। यही बातें प्रधानमंत्री ने कही और उन्होंने कहा कि मैं सब स्कीमों में बदलाव के लिए, सुझाव के लिए तैयार हूं, आप दीजिए हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? ठीक है, ठीक है। जब आप अटैक करते हो प्रधानमंत्री को, दिन रात सोते जागते, खाते पीते, लेटते घूमते, तो फिर प्रधानमंत्री जवाब देंगे पार्लियामेंट में। अच्छा, ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस क्योंकि लगातार अटैक करती है तो कहीं ना कहीं उनके भी पेशेंस की एक सीमा है, तो आज उन्होंने जवाब दिया संसद में, इसका जवाब दिया, यही झूठा। ठीक है, और झूठा अटैक करती है, झूठा। हाँ। प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ी बात, ठीक है, ठीक है, हमारे साथ साध्वी जी हैं दुनिया को। ठीक है, साध्वी खोसला जी हैं कांग्रेस से। साध्वी जी, आप जवाब दीजिए, क्योंकि कांग्रेस लगातार पीएम मोदी पर झूठा अटैक करती है, इसलिए आज मोदी जी ने सच्चा अटैक किया संसद में सबके सामने, जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा है, हमारे प्रधानमंत्री को शेरो शायरी करने का बहुत शौक है। उन्होंने तो सदन को भी चुनावी मैदान बना दिया है, वो तो सदन की भी मर्यादा आज भूल गए हैं। क्योंकि उनको इतना शेरो शायरी करने का शौक है, तो एक शेरो शायरी आज मेरी तरफ से भी हो जाए कि सच्चाई छुप नहीं सकती आपके फजूल के भाषणों से, खुशबू आ नहीं सकती कमल के फूलों से, और जो लोग रहते हैं शीशे के घरों में उन्हें दूसरों पर पत्थर तो मारना ही नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री किस मतलब प्रधानमंत्री कैसे बात कर सकते हैं देश की आजादी को लेके? देश का बच्चा बच्चा जानता है कि देश की आजादी में कांग्रेस के लीडरों का क्या योगदान रहा है, चाहे वो महात्मा गांधी हैं, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाहे वो सरदार पटेल। ये लोग हैं जिन्होंने मिलकर ये देश बनाया है। आज अगर हम यहाँ बैठे हैं, काटे जा रही है, बहुत सारे
बहुत सारे हमारे देश की स्वतंत्रता में सबका योगदान है, जिनका योगदान है, लेकिन उस योगदान में प्रधानमंत्री का क्या योगदान है? प्रधानमंत्री की राष्ट्र आरएसएस का क्या योगदान है? आरएसएस का सिर्फ एक ही योगदान है। ठीक है गोपाल जी, आता हूँ एक मिनट। महात्मा गांधी के मरने पर आरएसएस ने मिठाइयाँ बांटी थी, ये बात करते हैं? ये हमें देश का इतिहास दिखाएंगे? गोपाल जी इनको क्या पता है? ठीक है साधु जी, योगदान है साधु जी, गांधी जी ने दांडी मार्च की थी क्योंकि इनके आरएसएस के लीडरों ने उसका बायकॉट किया था। जब गांधी जी ने ब्रिटिशर्स को देश छोड़ो आंदोलन शुरू किया था, तब इनके आरएसएस के लीडरों ने हमारे जो देश के लोगों थे उनको बोला था कि हिंदुओं को गांधी जी के इस सत्याग्रह में, गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में जाने की जरूरत। ठीक है साधु जी, ठीक है साधु जी, ये क्या बात करते हैं? ठीक है वो लीडर गोपाल जी वीर सावरकर। ठीक है गोपाल जी, एक प्रश्न गोपाल जी, छोटा सा ये हमें गोपाल जी कहना चाहता हूँ। ठीक है साधु जी, एक आजादी ठीक है, ये पंडित नेहरू की बात करते हैं और ये बोलते हैं कि सरदार पटेल को देश का पहला प्रधानमंत्री होना चाहिए था। अगर सरदार पटेल देश के प्रधानमंत्री होते तो आज नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री कतई न बन पाते। चलिए ठीक है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड साध्वी जी, एक सेकंड रुकिए, साध्वी जी एक सेकंड ने बनाया, साध्वी जी एक सेकंड रुकिए, साध्वी जी एक सेकंड, साध्वी जी एक सेकंड रुकिए, भूल गए साध्वी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो आप रुकिए, गिरबान में झांकने देखने की जरूरत। अगर आप नहीं रुक रहे हैं तो मैं मानूंगा आप तक ऑडियो मेरा नहीं जा रहा है, मुझे फिर जबरदस्ती डाउन करना पड़ेगा ऑडियो। जानते नहीं है साध्वी जी, एक सेकंड, इतिहास पढ़ने लगे तो उनको कितना शर्म। ठीक है गोपाल जी आप अपना जवाब रखिए, आप कुछ कहना चाहते हैं तो जवाब रखिए, फिर एक सवाल। मैं अब पहली बात यह कहना चाहता हूं कि गांधी जी को पूछते मानते बातें करते, गांधी जी ने क्या कहा था? हाँ सुन रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं आपका। आ रही है मेरी आवाज आपको? नहीं आ पा रहा। आ रही है? बोलिए, मैं सुन रही हूं। हाँ आ रही है मेरी आवाज आपको? आपके हाँ देखिए, गांधी जी ने, आप गांधी जी को मानते, गांधी जी ने कांग्रेस ने क्या कहा था? गांधी जी ने कहा था, नहीं मेरी आवाज वहां तक नहीं जा रही, सुनो उनकी आ रही है। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर राहुल गांधी ने भी पलटवार किया, उन्होंने कहा कि पीएम ने लंबा भाषण तो दिया लेकिन राफेल डील पर कुछ नहीं बोले, वे पूरी तरह चुनावी मूड में नजर आ गए। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। मुद्दा था जो हमने उठाया, दूसरा जो हमने बहुत बार बोला है, राफेल डील में कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है। प्रधानमंत्री जी से हमने तीन सवाल पूछे हैं, आज एक घंटे से ज्यादा बोले, राफेल डील पे प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं कहा, राजनीतिक भाषण किया, कैंपेन स्पीच करी, मगर जो देश के सामने मुद्दे हैं, रोजगार का मुद्दा, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो रोजगार के मुद्दे पर, राफेल के मुद्दे पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोले। एक बार फिर गोपाल जी सवाल आपसे, अपनी बात रखिए, जो आप साध्वी जी ने जो कहा उस पर अपनी बात रखिए, और साथ ही एक आरोप जो लगातार लग रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में आज भी और उसके पहले भी लगातार जो इस देश की विरासत रही है उसको कहीं ना कहीं मिटाने की कोशिश वो लगातार करते हैं। इस देश आज इस स्थिति तक पहुंचा है। आपको मैं याद दिला दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद संसद में, लोकसभा में एक बार बयान दिया था कि अगर मैं ये कहूं कि विपक्ष का योगदान नहीं था, कांग्रेस का योगदान नहीं था भारत के निर्माण में, तो यह अन्याय होगा, गलत होगा। लेकिन पीएम मोदी बिल्कुल अलग लाइन लेते हैं, उनको कमियां ज्यादा दिखाई देती हैं, उन्होंने किसी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात आज तक नहीं की, न कांग्रेस की, न नेहरू जी की, न किसी और की। नहीं देखिए, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, कांग्रेस का जो स्वतंत्रता के पहले योगदान था वह उन्होंने अच्छी तरह से उसको एक्नॉलेज किया है, और उसके बाद भी अभी जो बहुत सारे काम है, चाहे जीएसटी हो, आधार हो, नीम कोटेड यूरिया हो, उन चीजों में प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस का योगदान है। उन्होंने तो कहा कि जो आधार है, जो आधार है वो तो लाल कृष्ण आडवाणी जी की परिकल्पना थी। सुनिए, अरे हमें प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। एक सेकंड साध्वी जी, बच्चा जानता है कि देश का निर्माण कांग्रेस ने किया है। एक सेकंड रुकिए साध्वी जी, हाँ बोलिए गोपाल जी।
बिल्कुल जानते हैं, हम जानते हैं, सुनिए सुनिए, जब कांग्रेस क्या करती है, स्वतंत्रता के पहले पूरा देश ने इस आंदोलन के लिए काम किया, उस वक्त एक ही पार्टी थी और वो कांग्रेस थी, और इसलिए उसका योगदान है। लेकिन यह जो वर्तमान कांग्रेस है, यह वही कांग्रेस है क्या? कितने बार तो विभाजन हो गया है, कितने बार अलग अलग छिटक गए, और साथ में कांग्रेस क्या करती है, सारा एक परिवार को क्रेडिट देना चाहती है, नेहरू उसके उनके परिवार, नेहरू गांधी परिवार के अलावा इस वर्तमान कांग्रेस को कुछ दिखता ही नहीं। सरदार पटेल नहीं दिखते, अंबेडकर जी नहीं दिखते, श्यामा प्रसाद मुखर्जी नहीं दिखते। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कोई कम कंट्रीब्यूशन था क्या? भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, भाजपा के, तो क्या उनका कंट्रीब्यूशन स्वतंत्रता संग्राम में कम था? गांधी जी आज हमारे भी पूछ रहे हैं, गांधी जी ने खुद कहा था, गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने कहा था कांग्रेस को बंद कर दिया जाए। तो जो कश्मीर समस्या का जनक कौन था? नेहरू जी थे। कश्मीर समस्या के जनक कौन है? सरदार पटेल तक भी यही कहते। तो जो वर्तमान स्थिति है, प्रजातंत्र का क्रेडिट कांग्रेस लेना चाहती है, स्वतंत्रता का क्रेडिट सारा कांग्रेस लेना चाहती है, और उसमें भी एक परिवार को देना चाहती है। अरे आप पूरे देश ने उस संग्राम को किया, कांग्रेस ने क्या किया? कांग्रेस उसको नेतृत्व कर रही थी, और फिर यह कांग्रेस वही है क्या? यह तो इंदिरा कांग्रेस है, ठीक है, जो स्वतंत्रता के पहले कांग्रेस थी, ये वही कांग्रेस है। ठीक है गोपाल जी, ठीक है, बार ठीक है गोपाल जी, ठीक है गोपाल, छह बार कांग्रेस का विभाजन, ठीक है गोपाल। तो जब ये गलत इतिहास करते हैं, प्रजातंत्र का क्रेडिट लेते, इमरजेंसी किसने लाई? इमरजेंसी इंदिरा गांधी लाई थी। प्रजातंत्र का इस देश में पहली बार हनन हुआ, वो किसने किया? कांग्रेस ने किया, उसकी जिम्मेदारी ये नहीं लेते और कहते हैं हम प्रजातंत्र। चलिए ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ठीक है, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेके फिर से लौटते हैं। सवाल अभी बहुत सारे हैं कि ठीक है, बहुत सारी कमियां अभी बीजेपी गिना रही है, कांग्रेस की ओर से भी कई तरह के आरोप है, लेकिन आज का दिन संसद क्या इसी चुनावी अखाड़े के नाम होना चाहिए था क्या? एक ब्रेक लेके फिर से लौटते हैं। एक बार फिर से आपका स्वागत। हम बता रहे हैं कि आज धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जिस तरह का नजारा संसद में दिखाई दिया वो बहुत ही अजीब स्थिति थी। प्रधानमंत्री के भाषण में सिर्फ कांग्रेस पर अटैक था, जबकि बाकी विपक्ष आपत्तिजनक नारे प्रधानमंत्री के खिलाफ लगा रहे थे और उनको बोलने से रोक रहे थे। क्या यही तस्वीर, सही तस्वीर होनी चाहिए क्या संसद की? कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और रंजीत रंजन ने सरकार के रवैये को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। आपको सब ठीक होना और दूसरे अगर कुछ कहना चाहते हैं तो उनको ऐसे गैर तरीके से आप लोग ऑब्स्ट्रक्ट करते हो। सबसे पहले तो ये बात है कि प्रधानमंत्री मुद्दे नहीं उठाते हैं। चार साल हम उनका जवाब मांग रहे हैं कि आपने किया क्या, वो सिर्फ भाषणबाजी और जुमलेबाजी कर रहे हैं। कल हमारे खड़गे साहब जब बोलने शुरू किए तो आंध्रा वाले अपनी डिमांड लेकर खड़े थे और वो एकदम मुंह पर खड़े थे, और स्पीकर कहती है मेरी नहीं चल रही है, और आज प्रधानमंत्री आए और ऐसा क्या हुआ कि वो सारे पीछे चले गए? जो इस तरह की मैच फिक्सिंग है और एक षड्यंत्र के तहत आप ये चाहते हैं कि कांग्रेस आपकी पोल ना खोले। और हमारे साथ नवाब मलिक भी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं एनसीपी के। नवाब साहब स्वागत है आपका चर्चा में, लेकिन बताइए सबसे पहले आज जो तस्वीर हमने देखी राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में जिस तरह का भाषण पीएम का था, कैसा लगा आपको ये? देखिए ऐसा है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पे धन्यवाद प्रस्ताव है तो निश्चित रूप से सरकार की तरफ से जो भाषण तैयार किया गया था वही राष्ट्रपति जी ने पढ़ा और उसी का धन्यवाद प्रस्ताव था, तो हमें लगता है कि मंत्री उस पर बोलते तो बेहतर होता। प्रधानमंत्री बोलने के लिए जब खड़े होते हैं तो जिन मुद्दों पर राष्ट्रपति जी ने बोला है उसके आधारित मुद्दे होने चाहिए, लेकिन कुल मिला के प्रधानमंत्री चुनावी मोड में से निकल ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि आलोचना विपक्ष की करके वोट हासिल करने के लिए खड़े हो रहे हैं। हमें लगता है कि चार साल में जो नीतियां बनाई, जो काम किया, उसको कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में बोलते, लेकिन उसके विपरीत भाषण रहा है कुल मिला के। और विपक्ष का भी अधिकार है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर लेके चीजों को वो खड़ा हो सकता है। स्पीकर की जिम्मेदारी है कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे किस तरह से कोई नुक्ता उठाया जा रहा है उस पर रूलिंग दे,
लेकिन पूरी तरह से सरासर नकार देना, खड़े ना होने देना, बोलने नहीं देना, हमें लगता है पार्लियामेंट के नियमों के विरुद्ध पार्लियामेंट चल रही है। ठीक है शंभुनाथ जी, ये बहुत ही गंभीर एक पॉइंट इन्होंने उठाया है नवाब मलिक साहब ने कि पार्लियामेंट खुद पार्लियामेंट के नियमों के विरुद्ध चल रही है और बोलने नहीं दिया जाता। जी निश्चित तौर पर नवाब मलिक साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है कि धन्यवाद प्रस्ताव पर जो राष्ट्रपति बोले उसी पर बोलना था, उससे इतर नहीं। और इस तरह की जब धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस हो ही रही थी, चर्चा हो रही थी, दूसरे मंत्री बोल सकते थे, उनको कम से कम उसी मुद्दे तक सीमित रहना था, लेकिन प्रधानमंत्री हमलावर मूड में आ गए और हमलावर इतना ज्यादा कि कहीं ना कहीं उनका फ्रस्ट्रेशन, उनकी निराशा, उनकी झल्लाहट दिख रही थी जो नहीं दिखनी चाहिए थी। और इसीलिए देखिए, ये शायद पहला मौका होगा कि जो एनडीए के ही दल हैं उन्हीं में से एक दल के लोग सांसद हंगामा कर रहे थे, ये बड़ी विचित्र स्थिति है। तो प्रधानमंत्री अगर अपने अपने बात तक सीमित रहते तो शायद ये हंगामा ना होता। लोगों को आशंका थी कि प्रधानमंत्री इसी तरह मुद्दे से भटक करके एक चुनावी भाषण देने लगे। उन्होंने संसद को भी एक चुनावी रैली की तरह एड्रेस किया है, वो कुल मिलाकर बहुत कहना चाहिए शोभायमान नहीं था। एक प्रधानमंत्री को भटकना नहीं था, अभी वो प्रधानमंत्री हैं, एक साल पूरा बाकी है उनका, अभी घबराने की भी कोई बात नहीं। अभी ऐसा कुछ नहीं कि कल को चुनाव आने वाला है, ये सही है कि ये उनका आखिरी बजट था, आम बजट था, लेकिन चुनाव अगले साल मई तक निपटेगा, तब तक तो प्रधानमंत्री फुलफ्लेज्ड हैं, उनको परेशान होने कोई बात नहीं थी। ठीक है, ये परेशान होना कहीं ना कहीं उनकी निराशा को दिखाता है। ठीक है गोपाल जी, इस पर आपको जवाब देंगे, प्रधानमंत्री क्या निराश हो रहे हैं क्या? और आज का जो भाषण था, एक चुनावी रैली का भाषण ज्यादा दिखाई दिया, 2019 के पहले जब प्रधानमंत्री फुल अटैकिंग मोड में किसी चुनावी सभा के दौरान जब विपक्ष पर हमला कर रहे होंगे तो भी शायद यही सारी बातें वो कह रहे होंगे, नई बातें कहां से आएंगी। तो जो चीज 2019 के ठीक पहले के इलेक्शन में होना चाहिए था, वो चीज धन्यवाद प्रस्ताव में क्यों दिखाई दे? देखिए पार्लियामेंट को जिस प्रकार से नहीं चलने दिया जाता, गवर्नेंस सरकार की जिम्मेदारी है। एनसीपी तो कह रही है, नवाब मलिक साहब कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को आप लोग नहीं चलने दे रहे हैं, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, ये आरोप अभी नवाब मलिक साहब ने लगाया। कौन नहीं चलने दे रहा, ये तो जनता देख रही है। हम नहीं, हम क्यों नहीं चलने देंगे, हम तो चाहते हैं कानून पास हो पार्लियामेंट से। ट्रिपल तलाक, सुनो, ट्रिपल तलाक पाप जो राज्यसभा में नहीं पास होने दिया पिछली बार, हम तो चाहते थे, राज्यसभा में हमारी अभी पूरी तरह से स्ट्रेंथ नहीं है, वहां पे रोक देते हैं। जो माइनॉरिटी कमीशन को ओबीसी कमीशन को लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना था, उसमें गड़बड़ कर दी पिछली बार। फिर वह सरकार देश में समान व्यवस्था लानी चाहती है, सरकार जीएसटी के बिल में बदलाव करके उसको लाना चाहती है, उसके लिए रोक देते हैं, तो पार्लियामेंट चलने दे देते। प्रश्न आप उठाते हो तो फिर जवाब नहीं सुनते, प्रश्न को जवाब आप प्रश्न उठाते हो, आपको जवाब देते तो सुनते नहीं हो, फिर आप वेल में कूद जाते हो। तो जब इस तरह की राजनीति करती है अपोजिशन, प्रश्न इनके पास है नहीं, काम सरकार मोदी जी दिन रात 24 घंटे के से सरकार काम कर रही है, इतने रिजल्ट दे रही है, हम तो चाहते हैं उन पर चर्चा हो। आप बताइए ना, जनधन योजना में क्या प्रॉब्लम है, हम चाहते हैं चिंता करिए, आप चर्चा करिए कि जो आयुष्मान जो स्कीम है, हेल्थ यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम में, उसमें क्या कमी है, उसको कैसे लागू किया जाए, किसानों के इतने आज के आप करते कहां हैं गोपाल जी? आप तो पार्लियामेंट आज के भाषण पर पार्लियामेंट को डिस्टर्ब गोपाल जी आज के भाषण पर आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग को टैक्सों में बड़ी राहत दे दी हमने, मध्यम वर्ग को 12,000 करोड़ का फायदा हुआ है। मैं भी समझ नहीं पाया हाँ। कि किस तरह से इस बजट में आपने मध्य वर्ग को फायदा दिया, और उसके बाद जब झूठ झूठ का नारा लगता है, ये नारा लगाया गया कि झूठा भाषण बंद करो, जिसका हम भी इस पर एतराज कर रहे हैं कि पीएम के खिलाफ संसद के अंदर इस तरह के भाषण, इस तरह के नारे नहीं होने चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह की बात पीएम करते हैं कि मध्यम वर्ग को हमने 12,000 करोड़ का टैक्स में बचत करवा दिया, वो कैसे किया ये आप बताएंगे जरा? हाँ देखिए, पहली बात यह जो हर बजट की एक प्रक्रिया होती है, बजट में रिसोर्सेज होते हैं जिसको सरकार एलोकेट करती है। इस वाले बजट में सरकार के पास यह लक्ष्य था कि किसानों की स्थिति में गंभीरता से उसकी चिंता करनी चाहिए सरकार को, दूसरा हेल्थ सेक्टर एजुकेशन की चिंता करनी है, यानी आप मान रहे हैं यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी आप मान रहे हैं सेक्टर लघु उद्योग, यानी आप मान रहे हैं व्यापार जगत को फायदा इस बजट गोपाल जी उनका ध्यान दिया। ठीक है, यानी आपने मान लिया कि मध्यम वर्ग को कुछ नहीं दिया टैक्स में, आप ये कह रहे हैं ना मध्यम वर्ग को टैक्स सेविंग में कुछ नहीं दिया ना?
सुन तो लीजिए आप, हाँ। आप बीच में काट देंगे नहीं, तो बीच में इसलिए काट रहे, मेरा सवाल उसी पे था, आपने शुरू कहीं और से किया, सवाल का जवाब दीजिए ना, लंबी भूमिका होगी तो ऐसे फिर काटना पड़ेगा। नहीं तो आप सुन लीजिए ना, मध्यम वर्ग को क्या दिया मैं बता रहा हूँ, टैक्स में, टैक्स में उन्होंने कहा टैक्स में राहत दिए 12,000 करोड़ की, बिल्कुल 2 लाख से 2.5 लाख की एग्जम्पशन लिमिट करी, 10% के टैक्स को 5 लाख तक 5% का स्लैब किया, इस बार एग्जम्पशन जो इन्वेस्टमेंट में था 1 लाख की लिमिट थी उसको 2 लाख किया, उसके साथ जो हाउसिंग लोन की लिमिट को 50,000 बढ़ाया, तो 2.5 लाख की 1 लाख की लिमिट को 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट से एग्जम्पशन लिमिट करी, इस बजट की बात कर रहे हैं ना, टैक्स के रेट को 10% से 5% किया, इस बजट की बात हो रही थी, इस बजट की बात, और जो 50,000 इस बजट की बात हो रही थी, हर बार सरकार एक ही वर्ग को थोड़ी ध्यान में रखेगी। गोपाल जी मैं समझ गया आपकी बात, 40,000 रुपए का एग्जम्पशन स्टैंडर्ड, गोपाल जी मैं आपकी बात समझ गया, मेरा भी तो यही कहना है, जो आप कह रहे हैं और मैं कह रहा हूं अलग अलग हम बात नहीं कर रहे हैं, दोनों एक ही बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि इस बजट में मध्यम वर्ग को कुछ नहीं दिया गया था, और आपने भी पिछले 4 साल पूरे 4 साल में आपने क्या किया वो गिना रहे हैं, इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए कैसे टैक्स सेविंग कर दिया वो आपको भी नहीं पता, और शायद कुछ किया भी नहीं, फिर क्यों पीएम ये कहते हैं कि मध्यम वर्ग को हमने बजट में इतना टैक्स, हाँ लेकिन आज पीएम ने कहा ना मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है, 12,000 करोड़ का फायदा हुआ है, नहीं दिया, चलिए ठीक है साध्वी जी, देखिए ये जो 40 रुपए जो 40,000 का एग्जम्पशन दिया है, दूसरी बात आप समझ लीजिए, ये 40,000 का एग्जम्पशन नहीं है, डायरेक्ट टैक्स, ये 40,000 का एग्जम्पशन नहीं है, आपके उस 40,000 के एग्जेम्पशन में प्रति व्यक्ति 1,005 रुपया एक्स्ट्रा उसका बिल बढ़ता है, पूरा कैलकुलेशन मेरे पास अलग से मिलेगा तो शेयर कर लूंगा मैं आपसे, लोगों का जो 15 लाख रुपए कमाता है ना साल का उसको 2,600 रुपए अलग से, को जो कॉर्पोरेट टैक्स में 30% को 25% क्या, सुनिए जो लघु उद्योग की बात नहीं हो रही थी, कॉर्पोरेट की बात नहीं हो रही थी, मध्यम वर्ग की बात हो रही थी, ठीक है जैदी साहब कहना चाह रहे हैं, अरे कॉर्पोरेट को नहीं है जैदी साहब, केवल कॉर्पोरेट और जो जो 100 करोड़ तक का जो जो एग्रीकल्चर एग्रीगेटर्स हैं उनको एग्जम्पशन दिया है, कोई बजाज नहीं है, इनकी सत्ता में आए तो सत्ता ये पचा नहीं पा रहे हैं, जो ये कहते हैं अर्थशास्त्र के आंकड़े जो देते हैं वो सच्ची है, कहां से निकाल के लाते हैं, जो कहते हैं वो सच है, बाकी जो कहता है, हमारा तो आज एक प्रस्ताव है आपके चैनल के माध्यम से और गोपाल जी जाके प्रधानमंत्री को दे दे, ये आजादी की लड़ाई पे हमेशा विवाद होता रहता है, एक पिक्चर बनवा दीजिए आजादी की कहानी अखबारों की जबानी, रिसर्च मेरे पास मौजूद है, जो अखबारों छपा उस वक्त का जो जो फाइल पे लिखा अंग्रेजों ने उसे जिसे जिसे अंग्रेज ने अपना वफादार लिख दिया है उसे देशद्रोही मान लेना चाहिए, और जिसे जिसे अंग्रेजों ने आतंकवादी उस वक्त लिखता है उसे देशभक्त मान लेना चाहिए, ये कहते हैं सावरकर, सावरकर ने कहना चाहिए टू नेशन थ्योरी का समर्थन किया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आप अंग्रेजों के लिखे हुए इतिहास पे जाना चाहते हैं, अब सुन लीजिए, किसी ने सवाल नहीं पूछा था कश्मीर पे, किसी ने सवाल नहीं पूछा था लेकिन उसे उठाया, आजादी की कहानी पे नहीं उठाया, बात की थी किसानों की आमदनी, सावरकर ने राफेल डील के अंदर आपने क्या भ्रष्टाचार किया है वो देश जानना चाहता है, दूसरा मन कहता है हमने इतने में हवाई जहाज खरीदा, आप उसे बताने को तैयार नहीं है, मजदूरों पे बात करने को नहीं तैयार है, रोजगार पे बात आप करने को तैयार नहीं है, स्वास्थ्य पे बात करने को तैयार नहीं है, शिक्षा पे आप जवाब देने को तैयार नहीं है, आप जो कहते हैं आप ये कहते हैं कि बिल्कुल की आवाज बंद हो जानी चाहिए, और जो भाजपा के लोग कह रहे हैं वो ताज में जाके क्या वो जैदी साहब लाल किले में जाके हवा, जैदी साहब प्लीज, जो आपका उद्देश्य प्लीज प्लीज एक सेकंड, पार्लियामेंट में आके आप कहेंगे एक सेकंड, जैदी साहब, जैदी साहब प्लीज, ये आपका उद्देश्य, जैदी साहब एक सेकंड, साध्वी आप क्या कह रही है अपनी बात, आजाद भगत सिंह इनको समझ नहीं आ, ठीक है गोपाल जी, हाँ, इनको त्याग लगता है केवल नेहरू परिवार का गांधी परिवार का, ठीक है साध्वी, सावरकर को कह रहे विचारधारा के लोग अंग्रेजों के साथ खड़े थे, कांग्रेस और देश की विचारधारा के लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े थे, यहाँ विचारधारा की बात हो रही है, ठीक है आपकी विचारधारा, जैदी साहब रुकिए, आप हिटलर के साथ सबको मौका दीजिए, लेकिन बाद में आप हिटलर के साथ मित्र सेनाएं लड़ने के लिए नहीं रहा है, एक सेकंड, दिन पर दिन प्रधानमंत्री अपना संतुलन खोते जा रहे हैं, वो अपना संतुलन इसलिए खो रहे हैं क्योंकि उनको अपना सिंहासन छिनता नजर आ रहा है, राजस्थान ने प्रधानमंत्री को आईना दिखा दिया है, अब इसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भी उनको आईना दिखाएंगे, कर्नाटक वैसे भी प्रधानमंत्री को
बिल्कुल प्रधानमंत्री की जितनी नीतियां हैं उनको बार बार ठुकरा चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री के पास कुछ भी सदन में बोलने के लिए नहीं है। जब प्रधानमंत्री के पास कोई रिपोर्ट कार्ड ही नहीं है, क्या बोलेंगे, क्या दिखाएंगे कि मैंने 2 करोड़ जॉब देने का वादा किया था और मैं 50 लाख जॉब भी नहीं दे पाया। क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे कि मेरे राज्य में किसान झूठी खबरें आत्महत्या कर रहे हैं, क्या बोलेंगे प्रधानमंत्री? ऐसे में उनके पास सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है कि नेहरू जी को गालियां दो, कांग्रेस को गालियां दो। लेकिन प्रधानमंत्री ये भूल गए हैं कि अब 2018 है, 2014 नहीं है। अब देश उनके जुमलेबाजी को और अच्छे दिनों को की बातों में नहीं आने वाला है। देश ने उनको अच्छे दिनों के लिए 2 करोड़ जॉब के लिए चुना था। देश ने उनको इसलिए नहीं चुना था कि संसद में बैठकर वो नेहरू गांधी के ऊपर गालीबाजी करे। उनको शर्म आनी चाहिए कि संसद में बैठकर वो उन लोगों को गालियां दे रहे हैं जिनकी वजह से आज हमारा देश आजाद हुआ है। अपने गिरेबान में जाती है आप अपने गिरेबान में जाती है। अपने गिरेबान में क्या है? धोखा है। प्रधानमंत्री देशद्रोही में कैसी भाषा है? जितने नेता हैं वो देशद्रोही है। और यहाँ आपके नेता तो ऐसे हैं, देख लीजिए क्या बात है। नथुराम गोडसे के मरने पे राहुल जी को सुनाइएगा, गांधी को मारा था तो उसपे मिठाइयां बांटी थी। आप ये राहुल जी को ये पाठ पढ़ाइएगा। नथुराम गोडसे को पूछते हैं, नथुराम गोडसे के लिए मंदिर तैयार करते हैं। आप हमें देशभक्ति सिखाएंगे? देशद्रोही तो आप लोग हो। देश के बंटवारे की बात करते हो। आज 2018 में ये RSS है जो देश में इतना ज्यादा नफरत फैला रही है। ऐसी भाषा मुझे तो ऐसा लगता है कि आप लोग देश के टुकड़े टुकड़े करोगे। आप सुन लीजिए, आप 33 करोड़ मुसलमानों को पाकिस्तानी बताते हो, कम्युनिस्टों को माओवादी बताते हो, दलितों को आप कहना चाहिए नक्सलाइट बता के उनकी हत्या करते हो, पूर्व प्रधानमंत्री को आप देशद्रोही बताते हो, पूर्व उपराष्ट्रपति को देशद्रोही बताते हो। ठीक है, प्रमाण पत्र सब आपके एक में बांटे। एक मिनट, ये बीजेपी प्रमाण पत्र बांट रही है। एक मिनट, और कोई नहीं बांट रहा। जल्दी साहब, और वही प्रधानमंत्री आज जल्दी साहब बांट। जल्दी साहब एक सेकंड, उदयवीर जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, अपनी बात रखिए। रुकिए साधवी जी, रुकिए साधवी जी, रुकिए उदयवीर जी, आप बोलिए। यकीन के साथ कह सकती हूँ उदयवीर जी डिबेट देख रहा है, जनता भी हंस रही। देखिए इतिहास में ही ये लोग रहेंगे। तो जो मैं कांग्रेस की साथी को ये राय देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री तो आज की बात से बचना ही चाहते हैं। अगर ये खुद भी इतिहास में चली जाएंगी तो फिर तो सारी बात इतिहास में ही रहेगी, जो प्रधानमंत्री का मंसूबा सफल हो जाएगा। सवाल ये है कि जो भावनात्मक मुद्दे बना के ये सरकार में आए, चाहे वो गंगा को साफ करने का मुद्दा हो, चाहे वो राष्ट्रवाद को के नाते देश को मजबूत करने का, उनकी सीमाओं को मजबूत करने का मामला हो, चाहे उन्होंने मेक इन इंडिया की बात की, चाहे स्किल इंडिया की बात की, किसान को लाभकारी मूल्य देने की बात की, या तो भाजपा के प्रवक्ता स्वीकार कर लें कि उन्होंने कुछ नहीं किया, या तो प्रधानमंत्री जी को इस मुद्दे पर रहना चाहिए सदन के अंदर। तो प्रधानमंत्री खुद बच के भागना चाहते हैं, और हम लोगों को चाहिए आज जो संसदीय गरिमा गिरी है, अभी आपने सुना होगा हमारे भाजपा प्रवक्ता का बयान कि संसद को चलने नहीं देते। संसदीय परंपरा यह है कि संसद को चलवाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। वो विपक्ष को विश्वास में लेता है, उनके सवालों के जवाब देता है, उनको जिज्ञासाओं को शांत करता है, और पार्लियामेंट में जो बिल रोके गए हैं वो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स के तहत रोके गए हैं। हिंदुस्तान का संविधान पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में ऐसा है कि किसी बिल से अगर विपक्ष को आपत्ति हो तो विपक्ष उसे प्रवर समिति में भेज सकता है जहां उस पर चर्चा हो सकती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो यह भूल जाते हैं कि वो प्रधानमंत्री हैं, वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता विरोधी दल बने हुए हैं, और हमारे जो प्रवक्ता महोदय हैं भाजपा के, वो ये भूल जाते हैं कि संसद ये प्रक्रिया या संसद का चलने का मतलब ये नहीं है कि उनकी सारी मंशाएं संसद में सफल हो जाएं। ये ट्रिनी ऑफ मेजोरिटी है कि आप संसद के अंदर कोई विपक्ष का अगर उसकी संख्या कम है तो उसके सामने हल्ला करिए, TDP के लोगों को खड़ा कर दीजिए सामने, और जब बारी आए आपकी तो सारे लोग पीछे जाके बैठ जाएं। TDP के सवालों को आपके वो पार्टनर हैं, कोएलिशन पार्टनर हैं, उनके सवालों को आपको टेबल पर रख के सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, और आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, देश के बहुत बड़े भक्त बन रहे हैं और PDP के साथ गठबंधन चला रहे हैं और कश्मीर पे देश को भाषण भी दे रहे हैं। तो इस तरह के
दो तरह के चेहरे प्रस्तुत करना इस लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है, शर्मनाक है। इसलिए मैं कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी तो मौका चूक गए, कम से कम भाजपा के प्रवक्ता को इस बात पे रहना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से अभिभाषण पे भाषण दिया। ठीक है उदयवीर जी। गोपाल जी, एक एक और शब्द ऐसा है जो बार बार आपको परेशान करना चाहता लेकिन आप उसका सामना भी नहीं करना चाहते, वो है रफाल का। खुद राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री ने इतने देर तक भाषण दिया लेकिन रफेल पर बार बार सवाल उठ रहे हैं, उस पर कुछ भी नहीं कहा। निर्मला सीतारमण ने उस पर कुछ नहीं कहा। आपको नहीं लगता बीजेपी किस मुद्दे पर चुप्पी कहीं दूसरा मैसेज भी देती है? फिर तीन लोग बिठा रखे हैं, साध्वी जी, जैदी साहब और ये जो तीसरे मैं नाम भूल गया, मुझे पता नहीं चला, ये तीनों लोग भाजपा पे अटैक कर रहे हैं और मैं इनका जवाब दे रहा हूं। इनकी भाषा देखिए क्या है, हमने कोई शालीन भाषा या यूज इस्तेमाल नहीं कर रहे, देशद्रोही कह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो इतना ही समय आपको देना चाहिए फिर बोलने के लिए। अल्टीमेटली आपको जिस बात पे पूछ रफेल पे पूरी तरह से जवाब दे चुके हैं, ये नए प्रश्न नहीं है, ये दो महीने पहले ये तीन प्रश्न आए थे, इन तीनों प्रश्नों का रक्षा मंत्री जवाब दे चुके हैं, आज फिर उन्होंने जवाब दिया है और पब्लिक में मीडिया में इनका तीनों जवाब दे चुके हैं। सरकार भी हम मैं भी कई बार बोल चुका हूं कि सरकार ने बहुत स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी है जवाब देना। सुन लीजिए जवाब मैं दे तो रहा हूं आपको जवाब। आज भी रक्षा मंत्री ने कहा है पूरी तरह से, जब ये जो पहले सौदा था वो 126 जेट प्लेन्स का था, जो रफेल डील 26 प्लेन्स का था वह, और उसमें 18 ही डिलीवरी थी रेडी में, उसको अब 36 उसको रद्द कर दिया। अगर कांग्रेस उसे लागू कर सकती थी, करने वाली थी, तो 12 साल तक क्यों लटका रखा था? 2002 से 2014 तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया, तो केवल नेगोशिएट ही करते रहे। क्यों? क्योंकि इनको कट नहीं मिल रहा था, इनको पैसा नहीं मिल रहा था, उसको रद्द करके सरकार ने एक नया वो पूरा एग्रीमेंट किया है, उसमें 36 हवाई जहाज लिए और 126 के ऑर्डर को कैंसिल किया, केवल 36 लिए जो कि आवश्यकता थी इमीडिएटली। उसके ऊपर भी सरकार ने कहा उसमें कई टेक्निकल चेंजेस किए हैं और अल्टीमेटली 12,600 करोड़ बचे हैं। तो जब सरकार कह रही है पार्लियामेंट पे सब जगह और इसके डिटेल्स है, देश को ये बताने में क्या दिक्कत हो रही है कि जो 36 एयरप्लेन लिए गए हैं, आपको सुना है ये बात गलत है, आप तीन तीन लोगों का क्या प्राइस है, अब छुपा क्या रहे हैं, अब देश से छुपा क्या रहे हैं? ठीक है साध्वी जी, एक सेकंड बोलने दीजिए उनको अपनी बात। अगर आपके पास छुपाने के लिए, ठीक है साध्वी जी एक सेकंड साध्वी जी, बदतमीजी अपनी बंद करिए, आप बदतमीजी बंद करिए, ये तीन तीन लोग बिठा लोगे और फिर चिल्लाओगे और बोलने भी नहीं दोगे। आपने प्रश्न पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं, अपनी बात पूरी कीजिए, एक मिनट गोपाल जी को अपनी बात। चुप रहिए आप साथ जी। हाँ नहीं, आप पहले ये जवाब दीजिए, साध्वी जी को हमें भी मालूम है कि आपने कितने प्लेन खरीदे। ठीक है साध्वी जी, एक सेकंड रुकिए, गोपाल जी अपनी बात रखिए। हाँ, सरकार ने कहा है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए हैं और 12,600 करोड़ इसमें बचे हैं। दूसरी बात, इसमें जो एग्रीमेंट है उसमें भी कई मेंटेनेंस के भी चीजें इनकॉर्पोरेट की है, आने वाले 10 साल तक जो फ्रांस की कंपनी है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। और सरकार ने कहा है कि पीएसी या स्टैंडिंग कमेटी या सीएजी जो वैलिडली इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं उनको हम सब इंफॉर्मेशन दे देंगे, उनके पास वो इन्वेस्टिगेट कर दें और अपनी रिपोर्ट दे दें पार्लियामेंट में। पब्लिक डोमेन में या डिफेंस की जो एग्रीमेंट्स है उनको नहीं ला सकते, और यह कांग्रेस भी कई बार कह चुकी है, तो अब लोगों को बरगलाना, भ्रामिक स्थिति पैदा करना यह गलत बात है। दूसरी, जो डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस थी, हमारी आर्मी क्या कहती है कि हमारा प्रोक्योरमेंट ही नहीं करते, जब तक इनको कट नहीं मिलता था, इनको अपना शेयर नहीं मिलता था, आर्मी के लिए कुछ खरीदते ही नहीं थे, पहली बार इंप्लीमेंट किया है सरकार ने इतनी जल्दी। ठीक है गोपाल जी, 12 साल में ये एग्रीमेंट नहीं कर पाए, क्यों नहीं कर पाए? ठीक है गोपाल जी, ठीक है, तो हमने 3.5 साल में कर तो दिया। ठीक है गोपाल, देश की जरूरत है, आवश्यकताओं को, ठीक है, क्या 50 साल बात करेंगे? ठीक है गोपाल, जब हमारे देश में आसपास में दुश्मनों ने घेर रखा है, लड़ाई हो रही है, तो हमें आवश्यकता है काम करने की। ठीक है, मैंने तीन लोगों को सुना,
अब आपको तीन गुना टाइम तो देना चाहिए। नहीं वो नहीं हो सकता, फिर तो आप संसद में भी कहेंगे, यानी फिर तो अगर संसद में किसी दिन आपकी पार्टी का अकेले का बहुमत हो जाएगा, बाकी पार्टियां विपक्ष में होंगी, तो आप तो कहेंगे कि स्पीकर को कि हम ज्यादा बोलेंगे और बाकी लोगों को उसी तरह टाइम डिवाइड कर दीजिए। ऐसा नहीं होता है। आप संसदीय परंपरा को अगर मानते हैं, भरोसा रखते हैं, हमने अलग अलग पार्टी का नुमाइंदा रखा है। आपने चार बार ये बात कह दिया कि चार लोगों को आपने बुला लिया, तो हम क्या पार्टियां ये सोच के बुलाएंगे कि आपकी तरफ की बात कौन करेगा? हर पार्टी का अपने अलग मत हो सकता है। रुकिए अब एक मिनट, नवाब मलिक साहब की बात रखेंगे। दस को बुलाइए। बिल्कुल नहीं, नवाब मलिक साहब नहीं बात रखेंगे। दस को बुलाइए। संसद में भी आप यही बात करेंगे क्या फिर? लेकिन हमें जवाब संसद में भी यही करते हैं क्या आप? तो जवाब का उत्तर देंगे। तो आपको पूरा टाइम दिया ना सर आपकी बात रखने के लिए, आप ऐसी बात क्यों करते हैं? जवाब का हम उत्तर देंगे। आपको पूरा वक्त दिया गया है ना बोलने के लिए जी, तो मैं कह रहा हूँ बुलाइए, आप बुलाइए, लेकिन अगर वो तीनों करेंगे तो तीनों का जवाब नहीं। एक सेकंड, ऐसा नरेश जी, मलिक साहब, नरेश जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता रहे हैं कि इसमें 12,000 करोड़ रुपए बचे हैं और जो जानकारी देनी है दे दी। क्या टेंडर डॉक्यूमेंट में रिलायंस जो कंपनी है जो अनिल अंबानी की है वो ज्वाइंट वेंचर में थी? क्या अनिल अंबानी के द्वारा यहां पे विमान बनाए जाएंगे या उसका मेंटेनेंस किया जाएगा, ये टेंडर कंडीशन में था? आपने अपने मर्जी के उद्योगपति को इसमें डाल दिया। कट की बात करते हो, अंबानी के माध्यम से पैसा लूटने का काम देश का भारतीय जनता पार्टी कर रही है। रक्षा मंत्री इसका जवाब नहीं देते, प्रधानमंत्री इसका जवाब नहीं देते। राफेल में अंबानी कहां से आ गए ये देश जानना चाहता है। आप बोलते हो गोपनीय डॉक्यूमेंट है, बोफर्स का मामला गोपनीय नहीं था? बनाइए पार्लियामेंट की कमेटी, जांच करने दीजिए। अगर बोफर्स में पार्लियामेंट की कमेटी जांच करती है तो राफेल में भी जांच हो सकती है। ठीक है, अनिल अंबानी कहां से आ गए ये देश जानना चाहता है, इसका जवाब आप बताइए। ठीक है, शंभुनाथ जी, आपको लगता है कि राफेल पर जिस तरह की एक चुप्पी साथी जा रही है, ठीक है, टीवी डिबेट में मैं आऊंगा सर, आपके पास आऊंगा, एक और प्रतिक्रिया आप पत्रकार से ले लेते हैं, फिर आपके पास मैं आता हूं। शंभुनाथ जी, ये चुप्पी क्या भारी पड़ सकती है? जिस तरह से कल राहुल गांधी की तरफ से एक ट्वीट किया गया था और पूछा भी गया था कि भाई उनके आरएम ने जिस तरह कहा है कि जो राफेल डील हुई है उसमें खुद प्रधानमंत्री और उनके भरोसे के लोग इन्वॉल्व थे, तो जाहिर है जब उनके आरएम ने कह दिया है तो जिम्मेदारी सिर्फ प्रधानमंत्री की बनती है कि प्रधानमंत्री खुद देश को बताते कि मामला क्या है, ये राफेल डील कैसे मैच्योर हुई, कितने साल से लंबित पड़ी रही, क्या इसमें मामला, क्या गोपनीयता क्यों बताई जा रही, क्योंकि गोपनीयता बरतने कोई मामला नहीं, आप संसद को बता सकते हैं और देश की सुरक्षा का मामला है, इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं था, बजाय कि उसके प्रवक्ता सफाई दें, खुद प्रधानमंत्री को बात को सामने रख करके मामले को रफा दफा कर देना था, क्योंकि इस तरह की डील होती रहती है, कई चीजें गोपनीय डील भी होती हैं, तो आप संसद को तो बता ही सकते हैं, कम से कम संसद तो को तो हम मानते हैं जनप्रतिनिधि है, इसलिए उनको बताने में क्या दिक्कत थी, तो इसकी सफाई खुद प्रधानमंत्री दें अथवा रक्षा मंत्री स्पष्ट करके बताएं, लेकिन कोई मंत्री ये कहे कि ये गोपनीय डील है तब तो सवाल उठने लाजिमी है। ठीक है गोपाल जी, अब अपना जवाब रखिए इस पर। अब पहली बात, जब रक्षा मंत्री संसद में जवाब दे रहे हैं, बाहर भी दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजिकल डिटेल्स है या प्राइसिंग स्ट्रक्चर है वह, क्योंकि पूरा वीडियो में रिकॉर्डिंग में सब जनता को होता है, वो जो बायलेटरल डील्स होती है वह पार्लियामेंट में ओपन पब्लिक डोमेन में नहीं डाल सकते, जो सरकार के जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे आप पीएससी है या स्टैंडिंग कमिटी है या सीएजी है, उनके पास सारे डिटेल आएंगे, यह स्पष्ट रूप से कह चुके हैं। जो मीडिया रिपोर्ट के ऊपर चर्चा करते हैं राहुल गांधी करते हैं या अभी जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं, और अनिल अंबानी की जो कंपनी की बात कर रहे हैं, रिलायंस की कंपनी की बात कर रहे हैं, उससे सरकार का क्या लेना देना, सीधा डील है या 36 प्लेन्स को सरकार ने लिया है, उसकी प्राइसिंग जनता के सामने आ जाएगी, और उसके आगे राफेल का थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट कैसा हो गया, वो सेपरेट उसका इससे अगर मैन्युफैक्चरिंग इससे बात होना ही नहीं है। गोपाल जी, 36 जो प्लेन्स खरीदे हैं वो रेडी टू डिलीवरी में खरीदे गए। गोपाल जी और वो आवश्यक, एक सेकंड गोपाल जी जो नवाब मलिक साहब कह रहे हैं जरा उसका भी आप जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि ये बहुत गोपनीय है, हम संसद में बात नहीं रख सकते हैं। हाँ। आप एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर वहां पर उनका कॉन्फिडेंस नहीं ले सकते वहां शेयर करके, लेकिन अनिल अंबानी फिर बीच में कैसे आ गए, उनको ये सब कुछ कैसे उसका हिस्सा हो गए जो नवाब मलिक साहब कह रहे हैं? देख किसकी, ये 36 की जो डील है
रफेल की और भारत सरकार की डील है, इसमें कोई हम रिलायंस का कोई इसमें रूल नहीं है। वो अगर उनका अलग से कोई एग्रीमेंट किसी और चीज के लिए, आप सरकार की नीति क्या है, डिफेंस में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना है, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना, लेकिन इस डील में उनका क्या रोल है बताइए आप? ये 36 प्लेन में रिलायंस का क्या रोल है? कुछ भी रोल नहीं। नवाब मलिक साहब बताएंगे उसके बाद। और जो मेंटेनेंस का लोग कहते हैं वो भी मीडिया रिपोर्ट है, मुझे भी नहीं पता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के आप भाग नहीं सकते रफेल अंबानी और रफेल के बीच क्या डील है, रिलायंस से डील कह के आप ये भाग नहीं सकते कि समरी में अनिल अंबानी की क्या डील है। जब तक अनिल अंबानी इसमें इन्वॉल्व नहीं हो गए तब तक डील फाइनल नहीं हुई। आप पैसा खाने के लिए अनिल अंबानी की कंपनी को इन्वॉल्व अच्छा? करते हैं, सारा पैसा खाने का काम अनिल अंबानी के माध्यम से हो रहा है। अच्छा, घूस खाने का सबसे बड़ा माध्यम रिलायंस कंपनी बन गई है। ठीक है, वक्त की कमी है तो लोग घूस लेते थे। अभी मैं कहूं आप यहां आने के का कार्यक्रम अंबानी के माध्यम से बनाया है। अभी मैं कहूं आप कांग्रेस ठीक है, माफ कीजिएगा वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा वक्त की कमी है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के। शुरुआत तो हमने यहीं से की थी कि आज जो संसद में तस्वीर दिखाई दी, जिस तरह का शोर शराबा था वो भी गलत था, और पीएम मोदी का जो धन्यवाद प्रस्ताव पर जिस तरह का भाषण था वो भी अपने आप में बिल्कुल अलग और अनोखा था। ऐसा लग रहा था कि 2019 के पहले का ये भाषण है, चुनावों के पहले का भाषण है, जहां पर कांग्रेस पर अटैक करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। आप कीजिए, आपका धर्म है, आप एक राजनीतिक पार्टी है, आप जरूर कीजिए, लेकिन संसद के अंदर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान वहां उस वक्त की एक अलग मर्यादा, उस जगह की भी अलग मर्यादा है, उसका भी ख्याल रखना होगा, वो चुनावी अखाड़ा ना हो। और आखिर में जहां तक हम आए हैं वो बात रही रफेल की, जिसको लेकर राहुल गांधी भी सवाल उठा रहे हैं, और जिस तरह की चुप्पी सरकार के शीर्ष लेवल पर, शीर्ष स्तर पर है, वो कहीं ना कहीं शायद इनको भारी पड़ सकती है। नमस्कार।